भारत की पहली ट्रांससेक्सुअल मॉडल और एक्टर निकी चावला ने हाल ही में अपने लड़के से लड़की बनने का सफर बताया। ट्रांससेक्सुअल मॉडल एक्ट्रेस निकी चावला बहुत जल्दी अपना टॉक शो लॉन्च करने वाली हैं। पंजाब की रहने वाली निकी चावला ने लड़के के रूप में जन्म लिया था। हालांकि बचपन से उन्हें खुद की लड़की होने का एहसास होता था। कुछ सालों बाद वो सेक्स ऑपरेशन के जरिए लड़की बनी। अब तक वह कई इंटरनेशनल रैप शो और रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि लड़की बनने का सफर बहुत टफ था, यहाँ तक कि फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया था। किसी डॉक्टर ने उन्हें लड़का बने रहने के लिए गलत ट्रीटमेंट भी दे दिया था। निकी के मुताबिक 2004 में उन्होंने अपनी माँ को सेक्स ऑपरेशन के बारे में बताया था, तो उससे पहले वो उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने उनकी माँ को भरोसा दिलाया कि 4 महीने के अंदर इसके अंदर लड़की का भूत उतार देंगे, यानी कि इसके हार्मोन्स चेंज कर देंगे। उन्होंने उस वक्त 4 महीने तक उसको लड़कों के हार्मोन्स और इंजेक्शन दिए, लेकिन दवा उसकी आत्मा बदल नहीं पाई। अनचाहे बाल आने लगे शरीर पर, बहुत सारा डर भी लगा उसको कि आवाज़ ना चली जाए, लेकिन डॉक्टर्स की मेहनत सफल नहीं हुई और निक्की चावला ने डिसाइड किया कि अब वो लड़की बनेंगी। इसके लिए उन्होंने सेक्स ऑपरेशन का फैसला लिया। उनका कैरियर भी बहुत ज़्यादा डामाडोल स्थितियों में गुजर रहा था। उस दौरान वो कहती हैं, जब मैंने डिसीजन लिया तो मुझे कई बड़ी फिल्मों के ऑफर भी मिलने लग गए। जैसे सैफ अली खान की कालाकांडी ऑफर मिली थी। कालाकांडी में उनका जो किरदार था ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट का था, इसलिए उन्होंने वो किरदार मना कर दिया। इसी तरह फरहान अख्तर की एक वेब सीरीज आई थी मेड इन हेवन, जिसमें उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया था क्योंकि वह सीरीज में एक ट्रांसजेंडर किरदार को लॉन्च कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। बहरहाल टॉक शो के जरिए वापस से ग्लैमर शो में लौटने वाली निकी कहती हैं कि हमारे भारत में इस कम्युनिटी के साथ बहुत अलग तरह का व्यवहार माना जाता है। जब उन्होंने इस ट्रीटमेंट से गुजरा था, उसी तरह उनको कई तरह के प्रेजुडिसेस का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनकी इंसल्ट की, उल्टा सीधा कहा, फैमिली में बेइज्जती की गई, लेकिन अब उनको जिम्मेदारी महसूस होती है अपनी कम्युनिटी के लिए और वह चाहती हैं कि अपनी कम्युनिटी के लोगों की मदद करें। सही दिशा न मिलने से जो सेक्स वर्कर डांस बार्स की तरफ रुख कर लेते हैं, उन्हें वहाँ से निकाला जाए क्योंकि आसानी से पैसा कमाने के चलते वो वहाँ फंस जाते हैं। कहती हैं, मैं किन्नर के ग्रुप में घूम सकती थी, सेक्स वर्कर बन सकती थी, लेकिन मैंने वो राह नहीं अपनाई। मैंने अपना टॉक शो बनाया और आज मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। सेक्स ऑपरेशन के बाद हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसको भी वो अपने इस शो में उठाने वाली हैं। बहरहाल निकी चावला की यह पहल काफ़ी हद तक ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल मॉडल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ना तो उन्हें अपनी फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा इस बहाने, बल्कि उन्हें इस लाइन में हेल्प करने वाला, गाइड करने वाला, मोटिवेट करने वाला एक पर्सन भी मिल जाएगा। निकी चावला ने जिस संघर्ष और स्ट्रगल के साथ अपनी इस मंजिल को पाया है, वो और भी लोगों के लिए ट्रांससेक्सुअल मॉडल्स के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का सलाह कमेंट करके ज़रूर बताइए।